नमस्कार महावितर्क को स्वागत। पाटकुरा निर्वाचन फलाफल पर सारा राज्य नजर केन्द्रीभूत थिला। फलाफल आसला बीजेडी उत्साहित, बीजेपी निराश। बीजेडी प्रार्थी सावित्री अग्रवाल बीजेपी प्रार्थी विजय महापात्र को पखापाखी 18,000 भोट्रे परास्त कर कांग्रेस जयंत महांति माटी कामुड़ी अमानत हर। पाटकुरा निर्वाचन फलाफल कौन संकेत दौर 19 वर्ष धरी विधानसभा जापारी नथिबा विजय महापात्रों राजनैतिक भविष्य कौन हेबो? एही विजय रे बीजेडी केते संतुष्ट? कांग्रेस रे एभली स्थिति काहीं खेला? यार विभिन्न दिगक नहीं आज महावितर्क पाटकुरा पोस्टमार्टम। आज महावितर्क जो मैंने आम सहित उपस्थित अच्छा से सहित परिचित कर दूचु। आम सहित अच्छा बीजेपी गौतम राय करतल दे स्वागत करवा। आम सहित अच्छा कांग्रेस मनोज महापात्र, विजु जनता दल सुलोता देव एवं राजनैतिक समीक्षक तथा वरिष्ठ सांबादिक प्रसन्न महांती। आपण समस्त स्वागत। एवं आम सहित उपस्थित अच्छा एटी किसी बुद्धिजीवी उपस्थित अच्छा, महिला उपस्थित अच्छा एवं किसी छात्र छात्री उपस्थित अच्छा जो मैंने कि सीधा साल आपको प्रश्न करेंगे और आपत तार सीधा साल उत्तर रखिए। प्रश्न बाबू आपण आरंभ कराया चाहिए। पाटकुरा निर्वाचन फलाफल पर आप नजर रखिते, आम नजर रखिलु एवं जो मैंने राजनीति सहित रुचि रखुच्च से समस्ते नजर रखी। जितेबाला फलाफल आसला, फलाफल आसला बीजेडी प्रार्थी सावित्री अग्रवाल विजय हासिल कले। विजय महापात्र सहित बीजेपी सी सहित कड़ा मुकाबला करते कांग्रेस अमानत हरला। ये फलाफल कि संकेत दौर देखो सारा राज्य नजर थी पाटकुरा निर्वाचन उपर। आप जमी कहे बीजेपी हताश होती, बीजेडी उत्फुल्लित होती, मुझे सेमती चित्र देखुना कारण ये निर्वाचन बीजेपी भर्सेस बीजेडी नथिला। ये निर्वाचन थिला विजय महापात्र भर्सेस नवीन पटनायक बा राज्य सरकार, गोटे पटे जड़े व्यक्ति और गोटे पटे पूरा एंटायर गवर्नमेंट। तेणु ये लड़ई एक भिन्न लड़ई थी, बोध हुए ओडिशा राजनीति में कि भारतवर्ष राजनीति में एमती लड़ई केवे देखी नुले। ये निर्वाचन आ पूर्व जो विजयपुर उपनिर्वाचन होता, विजयपुर निर्वाचन को बीजेपी जान लगे कि लड़ी और ता आग को मन थी साधारण निर्वाचन सीटी गोटे टक्कर एभली लेवल थिला जे जमी गोटे पूरा एंटायर बीजेपी भर्सेस बीजेडी गवर्नमेंट सहित लड़े होती। जो जो जान जो जोश बीजेपी आम देखी विजेपुर से जोश से जान लगे मुकाबला टक्कर मुझे देखिपारे ना अन्य देखिपारे ना पाटकुर तेणु कौटी ना कौटी लोकों भितर गोटे सन्देह आसी प्रकृत में ये जो लड़ईटी हूँ ये बीजेपी भर्सेस बीजेडी हूँ ना विजय महापात्र भर्सेस बीजेडी हूँ। तेणु ये लड़ई आप देखिए जोड़े कथ आपंट जे 19 वर्ष धरी ये दुई दशंधि प्रतिहिंसा और प्रतिशोधर राजनीति प्रतिफलित होती। भारतवर्षर अनेक राजनीति हो टक्कर होती जड़े व्यक्ति को टार्गेट करवा नवीन बाबू 20-25 वर्ष बर्तमान है पांचटा टर्म मुख्यमंत्री हेले और सारा भारतवर्ष गोटे रेकर्ड नवीन बाबू तैयारी करु अधिकता प्रति निर्वाचन आप देखिए बीजेडी भोट बढ़ुच प्रार्थी बढ़ुं विधायक बढ़ुंट। पाटकुरा जितवा हारिजा बीजेडी पर किसी प्रभाव पड़ूना। पाटकुरा हारी बीजेडी किसी प्रोब्लेम नाला जीतने सेमती गोटे बड़ आचिवमेंट ना कि कथा हूँ सारा भारतवर्ष नवीन बाबू जो संदेश जाऊला जो गोटे जातीय नेता निर्विवादीय नेता ये भाव में जो संदेश जाऊला मत लगुच कौटी ना कौटी गोटे खटका लगुच बड़ नेता एत बड़ इमेज अच्छी गोटे व्यक्ति पाखे कहीं टार्गेट कर गोटे व्यक्ति पचर कहीं पड़ी तेनाली केवल सावित्री अग्रवाल भर्सेस विजय महापात्र लड़े होता किसी कहार नाला ये गोटे सरकार को जमी गोटे बाजी लगे दिगला। विधानसभा चली आप देखिए अनेक समय विधानसभा कोरम रो ना 60 अधिक नेता जाए क्या रही थे मंत्री मैंने जो मैंने विधानसभा दायित्व हूँ उत्तर दवा विधायक विधानसभा विरोधी सदस्य मैंने प्रसंग उठे आसेंब्ली अर्जन होती तेणु ये सब कथा गुड़ी रेकर्ड हो रही तेणु आपको गोटे बाजी में लगे जड़े व्यक्ति को चेक दवा से ही दृष्टि मुझे कहि एक भिन्न निर्वाचन और 20 वर्ष धरी जड़े व्यक्ति को पचर पड़ा ये गोटे भिन्न सन्देश दूसरी। सुलोता मैडम ये प्रकृत में पाटकुरा विजय कौन कि सन्देश दूसरी आपन को कहवापी आजिकल कहार मान क्या किसी मना ना बाक् स्वाधीनता समस्त को अच्छी समस्ते कहे तेणु प्रसन्न भाई से कथा कहले मत गोटे कथ कहतु जो बापा मार चारिटा पिला अच्छा जदि गोटे पिला हजि जाऊँगी किंबा जदि गोटे पिलार देह खराब हो जाऊँगी कि गोटे असुविधा हो जाऊँगी कौन ता बापा माँ से चिंता करेनि जो तीन जन पिला बाकी तीन जन करेंगे ताल मुझे भावी से इरेस्पोन्सिबल पेरेन्ट्स तेणु
निश्चित भाव आम आपण स्टूडियो विगत दिन में बहुबार आम आलोचना करे जे विजु जनता दल तार समस्त निर्वाचन को समस्त उपनिर्वाचन को एवं म्युनिसिपल टू आरंभ कर पंचायत लेवल पर्यंत आपण जेते बड़े भी देखिबे सबु निर्वाचन को निष्ठार सहित एवं गुरुत्व देकि लड़ी थाए विजु जनता दल केबे सेमिति माने हाँ गोटे खामखियाली भाव में लड़बुनु लड़बू एतटा अच्छी शहे बारटा अच्छी आउ गोटे जीतिले कौन हम तेल मुझे कथा कह तेईसटा अच्छी आउ गोटे जीतिले कौन हम तेईसटा अच्छे आउ गोटे अधिका जीति गले कौन करेंगे किस तो करें आम सब जिनस को निष्ठार सहित गुरुत्व सहित लड़ी जो कि आप देखिए लड़े विजय महापात्र भरसेस सावित्री अग्रवाल होता ना विजय महापात्र भरसेस पूरा बीजेडी होता पूरा सरकार होता शुणु आज्ञा मुझे तो निश्चिंत भाव में कह लड़े बीजेडी और बीजेपी भितर होता बाकी शुणु बाकी अलग आउ आठ जन कैंडिडेट भितर होता पाटकुरावासी सागर लड़े होता कहीं आपण कहतु विजय महापात्र कौन किए जा कि भारतीय जनता पार्टी नेता मैंने किए जा स्टार कैंपेनर नथिले ना कांग्रेस रो स्टार कैंपेनर नथिले ना तांकर विधायक माने ना पीसीसी के जाई नथिले केवल विजु जनता दल जाइले अच्छा आपणकर 23 टी रहिले आमर 112 रहिले आपण आपणक 23 हिसाब रे गले आमे आम 112 हिसाब रे गलु रीजनल पार्टी रे आपण मुख्यमंत्री होउचंती मो दलर सभापति दलर विधानसभा छाडी के आपण जिबे आपण विधानसभा छाडिया कथा कहिले मु निश्चिंत हागर आगे कहिबी गुजरात रे इलेक्शन थिला बेले पार्लियामेंट बंद होगा टोटाल बंद होगा यहाँ बोध इतिहास विधानसभा तुम बंद करनु जो मैंने विधानसभा थिले से माने चले जो मैंने एमती भी गोटे नुआ किसी जे विधानसभा छाड़ी मंत्री जाइंट रिप्रेजेटेटिव अनुसार आउ किए उत्तर देना यहाँ किसी नुआ हो आज विजु जनता दल किसी नुआ कला कि इतिहास सृष्टि कला कि एगुड़ाक गोटे शुणु एगुड़ा गोटे कह कहुड़ाक सब कहवाई क्या पूर्ण मात्रा चेष्टा करते तार फल गौतम बाबू विजय महापात्र हारापुर कहते जनमत सपक्ष लगुला किंतु जहाँ फलाफल आसला से आश्चर्य प्रकट कर समीक्षा करण कारण रहा कौन पर यह फलाफल आसला आरंभ गोटे प्रसंग प्रसन्न महांती महोदय उठले जे आज नुह 20 वर्ष तलु विजय महापात्र को टार्गेट करजू जनता दल आपड़ जानते 20 वर्ष ते से पार्टी या विजु जनता दल गठन विजय महापात्र प्रमुख भूमिका था एक राज्यवासी भल भाव जानते बीजेपी तो से कथा बुझी था एथर ना ना एवं सी जो तरीके निर्वाचन रू बात दिगला जो भली ढंग से से कथा भी राज्यवासी जानते 2000 मसीह जोबले चंचकता करके बात दिगला से जड़े स्वाधीन प्रार्थी के निर्वाचन लड़ेगी सहयोग देकी त्रिलोचन बेहरा विधानसभा को पठैले और सी प्रतिशोध भी बीजेडी दल उपर ने पाटकुरावासी विजय महापात्र सहयोग में त्रिलोचन बेहरा विधानसभा को भूल रहा एवं ता परवर्ती अवस्था रे से जो भी लड़ी पाटकुरार लड़िके हारी महाकालापड़ा लड़िके भी हारी विजय महापात्र गोटे भूत विजु जनता दल को 20 वर्ष धरिके गोड़ जो जिते गोटे पटे आप कहते विजु जनता दल टार्गेट से 2000 मसीह आज पर्यंत विधानसभा को पूरी दि जाऊना जितेबाला बीजेपी अनुभव कराई विजय महापात्र दल बल कौशल सबू लगे विजु जनता दल लगे से केमी बीजेपी विश्वास कर रहीगला विजय महापात्र होती सफिसीयंट ना विजय महापात्र बीजेपी दल सहयोग देनी एक नुह विजय महापात्र जो परिमाण दबा कथा से देनी ना जो प्रकार आपण को प्रकार भावुचन मुझे जानी अच्छा मुझे पाटकुरा के दिन समय देखी से बीजेपी दल राष्ट्रीय नेता केन्द्र मंत्री को आरंभ करके राज्य संगठन मेंनेक नेता मत जा विभिन्न गाँ गांव जा भोटर पाखक जा एक एक बार सत्य जे गोटे यहाँ जदि उपनिर्वाचन ना गोटे उपनिर्वाचन ढंग से यह निर्वाचन को लड़ागला एवं गोटे लोक सरकार तैयारी सारी जितबार हार किसी सरकार सहित संपर्क ही ना से जीतले कि ना हारे भी किसी सरकार उपर प्रभाव पड़ न था किंतु जो ढंग से विजु जनता दल निर्वाचन को सामना कला 61-62 जन MLA जाए दिमास काल डेरा पकड़े 9-9 जन मंत्री जाकि पंचायत गाँ गंडार पूरा मना कर रही मना करूँ एक राजनीतर हुए जहाँ आलोचना कर गोटे राजनीतिक दल जो निर्वाचन को जीव से जीणवाई चाहिए एथर किसी अस्वाभाविकता ना कि विधानसभा चलला बेले विधान गोटे राजनीतिक दल विशेषकर गोटे आंचलिक राजनीतिक दल एकम्र लक्ष्य नुह निर्वाचन जितवा निर्वाचनटा लड़िकी
जितबार आवश्यकता अच्छी निर्वाचित तो नहले सरकार तैयारी नक लोकों समस्या को समाधान कर सरकार तैयारी करार आवश्यकता अच्छी किंतु एकमात्र उद्देश्य एवं लक्ष्य जे केवल निर्वाचन जेणीबा से पंचायत हो किंतु बिजु जनता दल रणनीति करथिला बिजु जनता दल जो रणनीति करथिला से रणनीति रे सफल होई छी बिजु जनता दल तार रणनीति रे निश्चित सफल होई छी एवं वोटर को अपन देखिथिबे सेठी गत वोट रे 2014 वोट रे सेठी कांग्रेस प्रार्थी 42000 रो उर्ध वोट पाइथले एवं से वोट आज देखंतु से आसी 21 वोट रे रहि गेल समुदाय सरकारी कल मुझे कथा कहूनी मोर उद्देश्य हूँ कले बले कौशले पाटकोरा को करायत करने विशेषकर विजय महापात्र को विधानसभा को नसी को दबा न दबापी जहाँ दरकार ताहा बीजेडी दल आपणी जोटा आज दिन में ये प्रासंगिक था मोर अनुभव हो ना जे जो कथा कहते गौतम बाबू गत थर जी प्रार्थी थे एथर मत से प्रार्थी थे आपंकर से गत थर 42000 अधिक भोट पाई एथर मात्र 21 भोट पाइले अमानत तो हरैले ये स्थिति कांग्रेस कहीं पाटकुरा प्रथम जहाँ रेजल्ट आटकुरा कांग्रेस दल गोटे भल विपर्यर सामना करें कहार मतलब दुधा ना 2014 आम 26.7% भोट पाई एथरक आहरी 10% भोट आम कमी जा सारा राज्य में खराब प्रदर्शन होती ये जदिव एट जेनराल इलेक्शन एक्सटेनसन था जहाँ गौतम बाबू कहते हैं उपनिर्वाचन कहले अत्युक्ति हम ए उपनिर्वाचन जो स्टार्ट है जेनराल इलेक्शन गोटे रेजल्ट आसी जो थे कांग्रेस पाई मात्र 8000 भोट एवं बीजेडी 79000 भोट पाई 6500 भोट गैप रोला गोटे हाइप कर दिगला जमी लड़ई हो बिजु जनता दल सुप्रीमो नवीन पटनायक और विजय महापात्र भितर लड़ई हो मार्केट ए हाइप रहा लोके अन्य किसी भूली गले अच्छा। एक दुई भितर लड़े आम जिते कहलु बाय वन गेट वन सेल बाय वन गेट वन फ्री से लोके बुझा को प्रस्तुत नथिले ऑलरेडी आंको भितर अंडरस्टैंडिंग ये गोटे एमपी तांको देइछन्दि खासीटे देइछन्दि माने दुटा मेंढा ये पाइबे किंतु लोके बुझिले नाही कोनोसी परिस्थिति रे एटा ही बड़ प्रॉब्लम हैला एवं शेषरे आमर रिजल्ट जा आसला समस्त जानिछन्दि निश्चित भाबे जोने कैंडिडेट हम मुझे 10% भोट कम से कम सी रखा कथा कि भोट रही पारा ना से आम परवर्त मुहूर्त तर्जमा कर भोट है जो माने अछंती एटु उपस्थित सेमानकर प्रश्न नबा गौतम बाबू आपण देखिथिबे जेतेबे आपणकर दल सारा भारत वर्ष एक बृहत गणतांत्रिक दल भाबे निजकु परिदर्शन करूची आ जेतेबे आपण कर्नाटक सरकार भांगी निजे सरकार तैयारी करते आपणकर कांग्रेस 10 विधायक गोआर जाकि आपणकर बीजेपी मिसी पड़ते सेत विजय महापात्र तो ये किसी शक्ति मानने किसी आपको पारियापणिया कथ नुहे सरकारी कल एवं अर्थबल एवं बाहुबल द्वारा से जीति या नुहे बर्तमान सारा ओडिशार जनता चाहिए नवीन पट्टनायक से हिसाब से चलती ठीक अच्छे उत्तर चाहिए प्रश्न गौतम प्रथम आपंकर उत्तर चाहिए जे जो कथा कहु सारा भारत जो कर्णाटक भारत वर्षर नुह सारा पृथ्वीर सबुठ बड़ बृहत गणतांत्रिक राजनीतिक दल मान्यता पाई बीजेपी जो कर्णाटक उदाहरण दौरान किए भांगीदेला किए भांगी ना ना से आम जीवानी से कह था जितेबाला एत सब चली भितर विजय महापात्र केमी हारीगले मोटामोटी प्रश्न सरकार सक्षम हो पारे ना गोटे अद्भुत कथ भारत राजनीति गणतंत्र हो सबुठ कम सीट पाई लोक बा दल से सरकार कर सुजोग कर्णाटक पाइला ये हूँ गोटे विड़म्बना पाटकुरार कथा हूँ गोटे निर्वाचन अबाध एवं निरपेक्ष निर्वाचन करार सांविधानिक विधि व्यवस्था थिला बेले जो माने होउचंती ए अबाध और निरपेक्ष निर्वाचन परिचालना करार दायित्व जो मानक आम व्यवस्था न्यस्त करी से निर्वाचन को पक्षपातिता कर सरकारी कलर नग्न व्यवहार एस एच जी ग्रुप कहतु ब्लॉक प्रशासन कहतु सीडी आईसीडीएस प्रशासन कहतु जिला प्रशासन कहतु कि पुलिस प्रशासन कहतु भुवनेश्वर सचिवालय किसी सीनियर आईएएस आईपीएस लोक जो माने सरकारी व्यवस्था सहित संप्रक्त से माने मॉनिटरिंग करुथले एवं तल स्तर रे जो माने रक्षक दायित्व नहीं थे से माने भक्षक भूमिकार जनता पार्टी पाखरु सेंट्रल इलेक्शन कमिशन पाखरे कोनोसी कंप्लेंट दिया है माने कोटी अकाउंटेबल एसपी हूँ कलेक्टर हूँ आईएएस ऑफिसर माने ये तो राज्य सरकार के पाखे किसी ना केंद्र सरकार चाहते भी बहुत किसी कर पार्ता इवन इलेक्शन कमिशन क्या इशारा चलती से कथा जानते सांविधानिक संस्था समस्त जानते क्या इशारा चलती इलेक्शन कमिशन आरबीआई गवर्नर सीबीआई डायरेक्टर समस्त समस्ते बुले बुझा दरकार बुले बुल लास्ट आसपे जिला प्रशासन को कलेक्टर ही
ମୁଁ କହୁନି କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରାଜନୈତିକ ଦଳକୁ ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ କରୁନି, ସବୁ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ଦାୟୀ। ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କର ଯେଉଁ କଟକଣା ଆପଣ ଦେଖିବେ, ତାକୁ ଆଖି ବୁଝିକରି ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନେ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ମୁଁ ତ ଭାବୁଛି ଆର ଗୋଟେ ସିବିଆଇ ଇନକ୍ୱାରୀ ହେବା ଦରକାର, କେଉଁ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଏ ନିର୍ବାଚନରେ କେତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି, ଭୋଟର ପିଛା କେତେ ପଇସା ଦିଆଯାଇଛି, ଭିତରେ ରହିଥିଲେ। ତେଣୁ ଆର ଗୋଟେ ବିଧିବଦ୍ଧ ଇନକ୍ୱାରୀ ହେବା ଦରକାର ଯେ କେଉଁ ଦଳ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଦଳ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଛନ୍ତି, ଯଦି ସେ ଜିତିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପିପୁଲ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ଆକ୍ଟକୁ ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇ ଯଦି ଅନୈତିକ ଉପାୟରେ କିଏ ଜିତାଏ ତାର ନିର୍ବାଚନକୁ ଅସିଦ୍ଧ ଘୋଷଣା କରାଯିବ। ଏଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେଭଳି ଭାବରେ କରାଯାଇଛି, ଆପଣ SSC ତାଙ୍କର ଥିଲା BJDର ସେ ବ୍ୟବହାର କଲେ ସେଥିରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଏବଂ ସବୁ ଦଳ ଚାହିଁବେ ପ୍ରାଣପଣେ ଲାଗିବେ ଲଢ଼ିବେ। କିନ୍ତୁ କଥା ହେଉଛି ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଯେଉଁ ଦୁରୁପଯୋଗ ଏବଂ ଭୋଟରମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଲୋଭିତ କରିବାର ଯେଉଁ ତରିକା, ଇଏ ଗୋଟେ ଅତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର 150-200 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାର ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ନିର୍ବାଚନରେ, ଇଏ ଓଡ଼ିଶା ଭଳି ଗରିବ ରାଜ୍ୟରେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଏବଂ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଲେକ୍ସନ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ସ୍କିମ୍ କରିଦେଲୁ, କାଳିଆ ଅନେକ ଯୋଜନା ହେଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଲେକ୍ସନ ପରେ ଆମେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯେଉଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରାଯାଉଥିଲା ଏବେ ସେହି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ସହଯୋଗ ଲୋଡ଼ିଲୁ। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା, ମନୋଜ ବାବୁ ଟିକିଏ ହିଣ୍ଟସ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ବାଟକୁରା ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲି, ସେଠି ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଥିଲା, ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ସନ୍ଦେହ ଥିଲା, ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କ ପାଇଁ ଛିଡ଼ା ହୋଇପାରିଲେ, ଏକାଠି ହୋଇପାରିଲେ BJD BJP ଏବଂ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଏକଦମ କ'ଣ ପାଇଁକି ଏମାନେ ଏକାଠି ହୋଇପାରିଲେ ସେ ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସନ୍ଦେହ ଘେର ରହିଛି। ତାହେଲେ ବିଜୟ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଯାହାଙ୍କର ବିଧାନସଭା ଆସିବା ଦରକାର, ସାରା ରାଜ୍ୟ ଅନୁଭବ କରୁଛି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ କାହିଁ ଏକାଠି ହୋଇପାରିଲେ ନାହିଁ। BJD BJP ର ଯେଉଁ ଡିଲ୍ ହୋଇଥିଲା, ମାନେ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ମାନେ ବିଜୟ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ହାଇକମାଣ୍ଡ କିମ୍ବା ଯେଉଁ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଲିଡରସିପ୍ କିଛି ସପୋର୍ଟ କଲେ ନାହିଁ, ଏହା ପରେ ବିଜୟ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ପାର୍ଟିରେ ଓଡ଼ିଶା ଇଏ କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ଭାଟି ଷ୍ଟାଟସ୍ କ'ଣ ତାଙ୍କର? ଆପଣ ବୁଝୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ BJP ହେଉଛି ଗୋଟେ ସର୍ବଭାରତୀୟ ଦଳ, ଯଦି BJP ର ସମର୍ଥନ, ନେତୃତ୍ୱର ସମର୍ଥନ ନଥାନ୍ତା, ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର BJP ରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଥାନ୍ତେ କେମିତି? ତାଙ୍କୁ ତ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ କମିଟି ଅମିତ ଶାହାଙ୍କ ଅନୁମୋଦନରେ ଏଠି ପାଟକୁରାରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରାଗଲା। ଥରେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଦେଲା ପରେ ସେ ପାର୍ଟିର ପ୍ରପର୍ଟି ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ପାର୍ଟିର ଇଜ୍ଜତ ସେଠି ଯୋଡ଼ି ହୋଇଗଲା। ଯେଉଁମାନେ ଆପଣମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପାର୍ଟି ଛିଡ଼ା ହେଲା ନାହିଁ, ଇଏ ଏକ ଭୁଲ କଥା, ହୁଏତ ଅଧିକ ଆଶା କରୁଥାଇ ପାରନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କିଛି ପରିମାଣରେ ଏକମତ ଯେ ବିଜେପୁର ଭୋଟ ମୁଁ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଦେଖିଛି, ବିଜେପୁର ଭୋଟରେ ଯେଉଁ ଢଙ୍ଗରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ନିଜକୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ କରାଇଥିଲା ପାଟକୁରାରେ, ତାହା ହୋଇନି, ସେଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନେକାଂଶରେ ସତ୍ୟ। ଏକଥା ଏଇଥିପାଇଁ ହେଇନି, ଚର୍ଚ୍ଚା ଏକଥା ହେଉଛି ଯେ BJP କୋଉଠି ନା କୋଉଠି BJP ର କିଛି ନେତା ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର ମଧ୍ୟ ହାରନ୍ତୁ, ଏ ଚର୍ଚ୍ଚା ମଧ୍ୟ ହେଉଥିଲା। ଆଦୌ ନୁହଁ, କୋଉ ନେତା, ସବୁ ନେତା ତ ଯାଇଛନ୍ତି ପାଟକୁରା ନିର୍ବାଚନରେ, ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାରରେ ସମସ୍ତେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ବି ସନ୍ଦେହ କରୁଛନ୍ତି କି ଭାବୁଛନ୍ତି, ସବୁ ଶ୍ରେଣୀର ସବୁ ବର୍ଗର ନେତା ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। BJD ର ନେତାମାନେ କ୍ୟାମ୍ପେନିଂ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ପାଟକୁରା, BJP ର ବି ଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କଂଗ୍ରେସର ନେତାମାନେ ଯାଇନଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ସମାନତା ହାରିଲେ। କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଯାଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ମାନେ କମ୍ ଯାଇଥିଲେ। ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର BJP ଦଳର ନେତା, ଦୀର୍ଘ 18 ବର୍ଷ ଧରି ସେ ବିଧାନସଭାକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି ବୋଲିକି BJP ବାଲା ଆଜି କହୁଛନ୍ତି ଯେ BJP ର ଭୂତ, ବିଜୟ ମହାପାତ୍ରର ଭୂତ BJD କି ଘାଇଲା କରୁଛି। କିନ୍ତୁ BJP ନେତା ବିଜୟ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର କେଉଁଠି ଭୁଲ ରହିଲା ଯେ BJP ନେତାମାନେ ତାକୁ ଏତେ ବଡ଼ ମହାସମରରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ? ମନୋଜ ବାବୁଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଯେ କଂଗ୍ରେସ କାହିଁକି ଏତେ ଶୋଚନୀୟ ନୈରାଶ୍ୟଜନକ ପରାସ୍ତ ହେଲା ଆଉ ଅମାନତ ହରାଇଲା, ଏହାର କାରଣ କ'ଣ, ଏଥିପାଇଁ କିଏ ଦାୟୀ? ତ ଗୌତମ ବାବୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଲା, ମନୋଜ ବାବୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ। ପ୍ରଥମ କଥା, ବିଜୟ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ପ୍ରତି ଆରମ୍ଭରୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସମର୍ଥନ ଥିଲା। ଯଦି 2019 ଏପ୍ରିଲ୍ 29 ତାରିଖରେ ହୋଇଥିବା ଭୋଟରେ ଯଦି ପାଟକୁରା ନିର୍ବାଚନ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ହୋଇଥାନ୍ତା, ହୁଏତ ଫଳାଫଳ ଆଜି ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତା। ଇଏ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ସେବେଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। BJD ର ଭୟ ଥିଲା ବିଜୟ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶ ରାଜନେତା ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାକୁ ପଶିଲେ ହୁଏତ ସରକାର ଅଠାକାଠିରେ ସବୁ ସମୟରେ ପଡ଼ିବେ।
ସରକାରଙ୍କର ଖଣି ପାଣି କୋଇଲା ଚିଠିଫଣ୍ଡି ସବୁ କଥା ଦାଣ୍ଡରେ ପଡ଼ିକି ହାଟରେ ଗଡ଼ିବ, ସରକାର ଅସ୍ୱସ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବେ, ବିଧାନସଭା ଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ ଚାଲିବ ନାହିଁ ଯଦି ସରକାର ହୁଏ, ଇଏ ଆଶଙ୍କାକୁ ଆଖିରେ ରଖିକି ବିଜେଡ଼ି ଜଣେ ଅସୁସ୍ଥ ଲୋକ ବେଦପ୍ରକାଶ ଅଗ୍ରୱାଲ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରାଇଲା, ଯେଉଁ ସମୟରେ କି ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ବି ରାଜି ନଥିଲେ ଯେ ବେଦବାବୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୁଅନ୍ତୁ। ଇଏ ଆରମ୍ଭରୁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ହୋଇଥିଲା ଯେ ଆକୁ ଯଦି ସମସ୍ତ ଭୋଟ ଭିତରେ ମିଶାଇକି ପାଟକୁରା ଭୋଟ କରାଯାଏ ହୁଏତ ବିଜୟ ମହାତ୍ରଙ୍କୁ ରୋକ ଦେଇ ହେବ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପରିବାରର ଅନିଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ ବେଦୁ ଭାଇନାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କଲେ ଏବଂ ଯାହା ଆଶଙ୍କା କରିଥିଲେ ତାହା ହିଁ ସତ୍ୟରେ ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା, ସେ ଅଧାରୁ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଗଲା। ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ କାହାକୁ କଲେ ନା ତାଙ୍କ ସହଧର୍ମିଣୀକି କଲେ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ବୟସ୍କା ମହିଳା, ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆକ୍ଷେପ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି, ସମସ୍ତ ସମ୍ମାନର ସହ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ସେ ଦଳର ନିଷ୍ପତ୍ତି କାହାକୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଭିତରେ ଲଢ଼େଇ ହେଉନଥିଲା। ସେଠି କେହି ପାଟକୁରାର ଲୋକ କି ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ, ପାଟକୁରାର ଭୋଟର କିମ୍ବା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ କେହି କାହୁଙ୍କୁ ନେଇଥାନ୍ତି ଯେ ଏଠି ସାବିତ୍ରୀ ଅଗ୍ରୱାଲ ଭର୍ସେସ୍ ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର ଲଢ଼େଇ ହେଉଛି। ଲଢ଼େଇ ହେଉଥିଲା ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର, ଯଦିଓ ସେ ବିଜେପିର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଥିଲେ, କେହି ବି ବିଜେପିର ପ୍ରାର୍ଥୀ ବି କହୁନଥିଲେ, ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର ଭର୍ସେସ୍ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ମାନେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଶାସନତନ୍ତ୍ର। ଏଠି ଗୋଟେ ବିଡ଼ମ୍ବନା ହେଇଛି, ଶାସନତନ୍ତ୍ରଟା ନିଜେ ନିର୍ବାଚନକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଯାଉଛି, ସେଇଟା ହେଇଛି ବଡ଼ ସମସ୍ୟା। ସେଇ କଥା ବାରମ୍ବାର ମନୋଜ ଆପଣ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ଯେ ଯେଉଁଭଳି ପ୍ରଚାର କରାଯିବା କଥା କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ସେଭଳି ପ୍ରଚାର କରାଗଲା ନାହିଁ? ନାଇଁ, କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ହେଇଛି, ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ ସେଇଟା କ୍ଲିୟର କରିଛି, ଦଳ ଗୋଟେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ସାମ୍ନା କରିଛି ଏବଂ ଗୋଟେ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଇ ଗତି କରୁଛି, ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ଆମେ କ'ଣ ଏଠି ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି, ଲଢ଼େଇ କାହା କାହା ଭିତରେ ହେଉଛି? ଆମେ ଏଠି ସମସ୍ତେ ଏକମତ ଯେ ଲଢ଼େଇ ହେଉଥିଲା ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର ଭର୍ସେସ୍ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସରି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଯେତେବେଳେ ଏକଥା ଚାଲିଥିଲା ସେଠି କେଉଁଠି କଂଗ୍ରେସ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଆଉ ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ପାରିବ? ଭୋଟର ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇଗଲେ, ଜଣେ କହିଲେ ଇଏ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ପୁଅ, ଆଉ ଜଣେ କହିଲେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଶିଷ୍ୟ, ପୁଅ ଆଉ ଶିଷ୍ୟ ଭିତରେ ଲଢ଼େଇ ଚାଲିଛି, କିଏ ହେବ? ମିଡ଼ିଆ ହାଇପ୍ ବି ସେଇ ଲାଇନ୍ରେ କଲା, ଡିସ୍କସନ୍ ବି ସେଇ ଲାଇନ୍ରେ ଚାଲିଲା, କୌଣସି କାରଣରେ ଯେଉଁଟାକି ଲୋକେ ଆସିବେ କଂଗ୍ରେସ। ତଥାପି ମୁଁ କହୁଛି କଂଗ୍ରେସ ଯେଉଁ ଭୋଟ ପାଇଛି ଏତିକି ଭୋଟ ପାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ମୁଁ ସେଟା ବି ଗ୍ରହଣ କରୁଛି, ଏତେ କମ୍ ଭୋଟ ପାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଗୋଟେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍। ଠିକ୍ ଅଛି।